यदि आप मैंगो शेक के शौकीन हैं तो डेफिनेटली मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मैं आपके साथ एक इतना आसान इतना सरल मेथड शेयर करने वाली हूँ कि आप उस मेथड से आम को पूरे साल यानी कि इवन इसको आप ऑफ सीजन भी मैंगो शेक बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। यानी कि आप इसे कभी भी साल में सर्दियाँ हों गर्मी हों बरसात कभी भी अगले सीजन तक इसको आराम से मैंगो शेक को एंजॉय कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभा कपिल और अपने चैनल क्रेजी कुकिंग विद अनुभा में एक बार फिर से करती हूँ आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। देखिए इसके लिए मैंने लिए हैं ये 5 किलो आम। 5 किलो हाँ, अरे अगले सीजन तक के लिए हम इसको स्टोर करके रख रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, तो इतने तो बनते हैं। बाकी आप देख लीजिए, यदि आप कम करना चाहें तो इट्स अप टू यू। तो फ्रेंड्स मैंने लिए 5 किलो आम, अच्छे वाले मैंगो शेक वाले आम लिए मैंने। इनको धोया, छीला और इसको मैंने स्लाइस कर ली, कट कर ली इनको। और साथ में लूंगी मैं ये चीनी लूंगी मैं लगभग 2 कटोरी या 2 कप। तो मैं अब क्या करने वाली हूँ, बहुत ही आसान है ये मेथड। मैं क्या कर रही हूँ, इनको आम को और चीनी को यानी कि 2 कटोरी चीनी और ये सारे आम थोड़े थोड़े करके सारे एक साथ तो आएंगे नहीं, थोड़े थोड़े करके या तो आप हैंड ब्लेंडर से इसको ग्राइंड कर लीजिए या तो फिर किसी भी मिक्सर जार में इसको अच्छे से इसकी प्यूरी बना लेते हैं। तो चलिए पहले इसकी बना लेते हैं हम प्यूरी। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने इसकी बना ली है प्यूरी, देखिए कितनी बारीक स्मूथ प्यूरी बन गई है। अच्छा, इसको आपको इस बात का स्पेशल ख्याल रखना है कि इसमें ना हमें पानी मिलाना है ना ही हमें दूध मिलाना है, कुछ भी नहीं मिलाना है, मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ चीनी और ये आम है। अब इसको हम क्या करेंगे, किसी भी कंटेनर में, किसी एयरटाइट कंटेनर में इसको, यदि कांच का हो तो बेस्ट होगा इसको, वरना कांच का नहीं है तो प्लास्टिक का भी चल जाएगा, वैसे किसी भी कंटेनर में इसको बंद करके और हमें फ्रीजर में रखना है। आई रिपीट, इसको फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रीजर में रखना है। और जब फ्रीजर में रखेंगे ना ये काफ़ी जमी जमी सी कंसिस्टेंसी हो जाएगी और फिर हमें जब भी इसको मिल्क शेक मैंगो शेक बनाना है तब हम इसको निकालेंगे। थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर पे लाया और बस इसको फिर हम मिक्सी या ब्लेंडर में, जैसे भी आप मिक्सी ब्लेंडर में या तो फिर हैंड ब्लेंडर से इसको आराम से चीनी और दूध डालकर आराम से मैंगो शेक बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स आपने देखा ना कितना कितना इजी मेथड है, इसको बनाना भी आसान है। अच्छा ये फ्रेंड्स जो ये विधि है ना ये केवल ऑफ सीजन के लिए भी नहीं, ये डेली के लिए भी बहुत अच्छी है। आप चाहें तो एक बार इसको बनाकर रख दीजिए फ्रीजर में, बस एक बार बनाने के लिए इसकी मेहनत है, बनाया फ्रीजर में रखा और जब भी बनाना हो तभी बस 5 मिनट में इसको हमने निकाला और बनाकर एकदम सर्व कर दिया। तो फ्रेंड्स ये बहुत आसान सी ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर की है, मुझे आशा है आपको पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक तो देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय।